नमस्कार। इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर सरकार पहुंच चुके हैं। 9 तारीख से 25 तारीख तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर मौजूद रहेंगे। 13 से 25 अगस्त तक यहां पर दिव्य दरबार लगाए जाएंगे। बागेश्वर सरकार 8 तारीख को शाम को बागेश्वर धाम पहुंच चुके थे। आज सुबह 9 तारीख को उठ के उन्होंने प्रातःकाल बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। बागेश्वर बालाजी के मंदिर के निर्माण का उन्होंने निरीक्षण भी किया। उसके बाद बागेश्वर सरकार अन्नपूर्णा पहुंचे। बागेश्वर धाम पर एक नई अन्नपूर्णा बनकर तैयार हो चुकी है, जो एक भव्य रूप में बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि यह अन्नपूर्णा लगभग 422 यानी कि जिसकी लंबाई 400 फुट और चौड़ाई 100 फुट है, यह बनकर तैयार हो चुकी है। बागेश्वर सरकार के द्वारा उसका आज उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ये वो रेलिंग है जहाँ से भक्त इस अन्नपूर्णा में प्रसादी ग्रहण करने के लिए एंट्री होगी। यहाँ से अलग अलग एंट्री है, महिला एंट्री इधर से होगी, पुरुष की एंट्री उस साइड से होगी। यहाँ से बारी बारी से लाइन लगाते हुए सभी भक्तगण यहाँ से होते हुए सीधे अन्नपूर्णा पहुंचेंगे। और कभी भी अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे कि कोई विशेष कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा महोत्सव या उसके अलावा जन्मोत्सव, ऐसे कई बड़े बड़े कार्यक्रम आगे धाम पर आयोजित होते रहते हैं, या वो आप देखें कोई कन्या विवाह महोत्सव, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो जो रेलिंग लगाई गई है, जो ज्यादा संख्या में जब भक्त आते हैं, या मंगलवार या शनिवार है तो लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, तो इस रेलिंग के माध्यम से उन्हें निकालकर इसी रेलिंग के माध्यम से उन्हें सीधे प्रसादी ग्रहण करवाई जाएगी। आपको बता दें कि यह रेलिंग लगभग काम पूरा हो चुका है। पानी की टंकियां रखी हुई है, पानी पीने की व्यवस्था है, लगभग 200 नल लगे हुए हैं और 20 टंकियां बड़ी बड़ी 2000 लीटर की रखी हुई हैं। इनका कनेक्शन सीधे ट्यूबवेल से किया गया है कि किसी भी प्रकार की पानी की असुविधा न हो श्रद्धालुओं को। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा पूरी बनकर के तैयार हो चुकी है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 422 यानी कि 322 में आप भक्तों को प्रसादी ग्रहण करने के लिए मिलेगी। यहाँ से लाइन लगाई जाएगी, जो महिलाओं के लिए लाइन है, यहाँ से महिलाएं जाएंगी और उसके जस्ट उस साइड से पुरुषों की एंट्री है। इधर से बारी बारी से फिर आप आगे तक पहुंचेंगे, वहां से आपको प्रसादी मिलेगी। उसके बाद जो मैदान है, यहाँ पर आप बैठकर अपनी प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। पूरे लगभग अन्नपूर्णा बनकर तैयार हो चुकी है और आज बागेश्वर सरकार ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। पूरी जो अन्नपूर्णा है, आपको बता दें कि किसी होटल के रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बड़े बड़े होटलों के जो रेस्टोरेंट होते हैं, इसी प्रकार की वहां पर प्रसादी ग्रहण करने के लिए जो उनके कस्टमर आते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं पूरी में लाइटिंग, नीचे टाइल्स बिछाई गई है। अभी इसमें जो पंखा लगना बाकी, जो समिति के द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 55 पंखे अभी लगाए जाएंगे, 30 और कूलर लगाए जाएंगे। तो अभी जो थोड़ा वो काम बाकी है, वो भी लगभग पूरा होने को है। आपको बता दें कि जो पुरुष एंट्री है, यहाँ से पुरुष जाएंगे बारी बारी लाइन लगा करके, यहाँ से पुरुष प्रसादी ग्रहण के लिए यहाँ से लाइन लगाएंगे और आगे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अभी जो अन्नपूर्णा चल रही थी, उसमें श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करने में असुविधा होती थी, क्योंकि एरिया कम था और वहां पर जो भक्तों की भीड़ थी, जन समुदाय था, वो ज्यादा हुआ करता था, इस वजह से असुविधा हुआ करती थी। तो बागेश्वर सरकार ने एक बहुत दिन पहले एक नई अन्नपूर्णा के लिए जगह देखी, वहां पर काम लगाया, तो आज वह काम लगभग अंतिम चरण पर है और काम लगभग हो चुका है। पंखे बस यहाँ पर लगना बाकी है और जो कूलर है, तो वो कूलर भी बताया जा रहा है कि कल तक कूलर पंखे पूरे हो जाएंगे। और बागेश्वर सरकार ने इस अन्नपूर्णा का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा का जो समय है, लगभग जो पुरानी अन्नपूर्णा का समय था उसी के अनुसार रखा जाएगा। इन अन्नपूर्णा में जो टाइमिंग रहती थी कि सुबह 10 बजे से जो चालू होती थी और अनवरत चला करती थी, क्योंकि जब तक भक्तों का आना बंद नहीं होता था, तब तक अन्नपूर्णा प्रसादी वितरण का काम लगातार जारी रहता था। आपको बताएं कि इस अन्नपूर्णा में जो बनाई गई है, यह अभी बता सकते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा इस क्षेत्र की है। इतनी बड़ी अन्नपूर्णा इस क्षेत्र में कहीं पर भी बनाई नहीं गई है। एक साथ लगभग जो हमें समिति के द्वारा जानकारी दी गई है, एक साथ कम से कम 5-6 हजार भक्त एक साथ यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने टेबलें भी लग चुकी हैं, जो प्रसादी बन रही है। प्रसादी थोड़ी देर में यहाँ पर रखी जाएगी। बागेश्वर सरकार की जो सोफा है, आसन है, वो भी लगाया जा रहा है। यहाँ से गुरुदेव भी बैठेंगे और भक्तों को हो सकता है वो खुद प्रसादी वितरण करें। आप देख रहे हैं कि टेबल भी लगाई गई, यहाँ से भक्तों को बारी बारी से लाइन लगा करके प्रसादी दी जाएगी। प्रसादी लाइन लगा, यहाँ पर थाली रखी जाएगी, जो सामग्री रहेगी, पूरी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, जो भी रखा रहेगा, उन सबको बारी बारी से दिया जाएगा। और यहाँ जो मैदान आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इस मैदान में ही पूरे भक्त यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। गुरुजी भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर
तो अभी जो यहाँ पर अन्नपूर्णा का शिलान्यास, हमारे साथ गुरुजी भी आ चुके हैं बागेश्वर सरकार। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की किस तरह का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और क्या इसकी व्यवस्था रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी। तो आप देख सकते हैं पूरी अन्नपूर्णा एक भव्य रूप में, एक होटल के जिस तरह से रेस्टोरेंट बनाया जाता है उस तरह उसी रूप में पूरी अन्नपूर्णा बनकर के तैयार हो चुकी है। और हमारे साथ बागेश्वर सरकार भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की अन्नपूर्णा बनी हुई है। जी, आज अन्नपूर्णा का शिलान्यास हुआ है, किस तरह की अन्नपूर्णा है, क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? उद्घाटन है, जय श्री राम, अन्नपूर्णा माता की जय। जहाँ अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा था वो बहुत छोटा सा जगह थी, बहुत छोटी सी जगह थी। अब 100 बाई 300 के हॉल में, 3 सेट के अंदर ये बड़ी विशाल अन्नपूर्णा का भंडारा प्रसाद, ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो, बैठने की समुचित व्यवस्था हो। ये पूरी व्यवस्था बैठने की है, ये मंच है, यहाँ से वितरण किया जाएगा। ये जो व्यवस्था की गई है, कुछ देर में आप देखेंगे जब भंडारा चालू होगा, यहाँ से वितरण किया जाएगा। वहाँ लोग बैठ करके पाएंगे, ऐसे लाइन से आएंगे। बाहर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है, टंकियों की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। पीछे भंडारे की मशीनरी मंगाई गई है जो टेक्नोलॉजी के साथ में अन्नपूर्णा। देखा गया कि कभी मंगलवार शनिवार को लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, बड़ी रेलिंग लगाई गई, रेलिंग लगाई गई है ताकि असुविधा ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बन पाए। और बागेश्वर धाम पर प्रतिदिन अन्नपूर्णा प्रसाद चल रहा है। लगभग समय सारणी क्या रहेगी, जो पिछली अन्नपूर्णा की समय सारणी थी 10 बजे से अनवरत, क्या वही समय वैसा ही रहेगा? सेम सेम जैसे पहले था उसी प्रकार समय सारणी वही है, बस स्थान बदल गया, भव्यता हो गई है। प्रतिदिन हजारों लोग भंडारा प्रसाद पाते हैं, तो कोई भूखा ना जाए, इस उद्देश्य को लेकर के अन्नपूर्णा प्रसाद यहाँ लगातार 5 वर्ष से चल रहा है। तो हनुमान जी की इच्छा हुई, कृपा हुई, अब यहाँ पर व्यवस्था रूप से व्यापक रूप से होगी। पीछे बनने की व्यवस्था भी है, भंडारा प्रसाद जहाँ बनेगा, तो एक सौंदर्य भी है। अन्नपूर्णा माता की कृपा है, अब वो जो आने वाले लोग हैं वो बहुत व्यवस्थित रूप से प्रसाद पाते हैं। तो आज क्या आप भी भक्तों के प्रसाद वितरण करेंगे, क्योंकि भक्त लाइन में वहाँ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कब अन्नपूर्णा में अंदर एंट्री मिलो, कब हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में बागेश्वर सरकार स्वयं भक्तों को प्रसादी ग्रहण करेंगे और लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली गई। हम आपको रसोई दिखाते हैं, अन्नपूर्णा जो रसोई है यहाँ पर मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी मशीनें हैं जिनके द्वारा आटा गूंथने का काम किया जाता है या फिर रोटी बनाने का काम हो, बड़े बड़े भगोने का उपयोग किया जाए जिसमें हजारों की संख्या में एक साथ भक्तों को प्रसादी बनाई जा सके, किसी भी प्रकार की असुविधा। आप देख सकते हैं पूरी ये जो रसोई है, जो रसोई का एरिया 100 बाई 70, मतलब जो एक भव्य बहुत बड़ी रसोई, इतनी बड़ी रसोई होना बहुत बड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो भट्टी बनी हुई है बिल्कुल पक्की और देसी भट्टी, आप कह सकते हैं कि अंदर जो इनका रूप दिया गया देसी रूप दिया गया है। आज आप भक्त यहाँ भक्तों के लिए प्रसादी भी लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़ी ही देर में बागेश्वर सरकार स्वयं भक्तों को प्रसादी वितरण करेंगे। सब्जी तैयार हो चुकी है, इधर पे दाल तैयार हो चुकी है, अनेक प्रकार की सामग्रियां जो आज भक्तों को वितरित की जाएगी, दाल भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि जो मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, तो बागेश्वर सरकार ने भी जिक्र किया है कि मशीनें हैं जो उनके द्वारा भी यहाँ पर सामग्री बनाई जाती है, चाहे वो आपकी देखिए वो मूंगफली पीसने की मशीन हो, उसके अलावा बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें उस साइड, रोटी बनाने की मशीनें, रोटी को लोई काटने वाली भी मशीनें, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि वहां पर पहली जो अन्नपूर्णा थी वहां पर थोड़ी सी जगह कम थी तो थोड़ा बहुत असुविधा हुआ करती थी भक्तों को, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा होने का कोई वो नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और आप देख सकते हैं कि ये रोटी की आटे गूंथने वाली जो मशीन है, यहाँ से आटा गूंथा जाता है, उसके बाद यहाँ पर लोई काटने की अलग मशीन है, यहाँ पर रोटी सेंकने वाली मशीन है, तो यहाँ पर मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो भक्त सेवा करने के लिए आते हैं उनके साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं, जो रोटी वाली मशीन है यहाँ पर रोटी की मशीन का उपयोग किया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, रोटी यहाँ से निकाली जा रही है, रोटी निकल के रखी हुई है। तो जो अन्नपूर्णा है यार, अगर कहा जाए कि बुंदेलखंड की अभी तक की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा कही जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में, इतने बड़े एरिया में अन्नपूर्णा कहीं पर भी अभी हमारी नजर में तो नहीं है कि 400 बाई 100 में अन्नपूर्णा बनाई गई हो। उसमें रसोई एक जितने एरिया में एक होटल होता है उतने एरिया में यहाँ की एक रसोई है 100 बाई 70 में, बहुत अच्छे विस्तार रूप से अन्नपूर्ण बनाई गई है। थोड़ी ही देर में बागेश्वर सरकार भक्तों को प्रसादी स्वयं वितरण करेंगे, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। नमस्कार।